हेलो चिल्ड्रन, कैसे हैं आप सब? दिस इज योर टीचर पूजा सहानी विद योर बुक ग्रामर ग्लिटर ओडिसी बाय ब्रेन रूट सीरीज। और हम करने वाले हैं चैप्टर नंबर 14 एंड द चैप्टर नंबर 14 इज वर्ब्स। सो वर्ब्स क्या होते हैं बच्चों? वर्ब्स होते हैं एक्शन वर्ड्स, मतलब डूइंग वर्ड्स। सेंटेंस में सब्जेक्ट जो कर रहा है उसे कहते हैं एक्शन वर्ड्स। ओके, वर्ब्स आर दोज वर्ड्स, वो वर्ड होते हैं वर्ब्स दैट इंडिकेट एन एक्शन, जो एक एक्शन को बताते हैं और व्हाट द सब्जेक्ट इज डूइंग, और हमें ये बताते हैं कि सब्जेक्ट क्या कर रहा है। राइट, सब्जेक्ट क्या कर रहा है ये हमें कौन बताता है? वर्ब्स। सो एग्जाम्पल वन, द प्रिंस लिव्ड इन अ पैलेस। प्रिंस लिव्ड इन अ पैलेस, प्रिंस पैलेस में रहे। सो रहे इज द, कि प्रिंस क्या करा उन्होंने वहां पर? रहे। सो लिव्ड इज द वर्ब हेयर। राइट, ही विल गो टू स्कूल टुमारो, वो स्कूल कल जाएगा। सो जाएगा मतलब सब हमें पता चल रहा है गो से कि सब्जेक्ट कल क्या करेगा। ओके, सो द वर्ड लिव गो आर डूइंग एक्शन वर्ड्स, क्योंकि वर्ब क्या होते हैं बच्चों? डूइंग वर्ड्स होते हैं, एक्शन वर्ड्स होते हैं। अ वर्ब यूजुअली टेलर्स, ये हमें बताती है व्हाट अ पर्सन एनिमल और थिंग डस, कि एक एनिमल पर्सन और थिंग क्या करता है। वर्ब से ही हमें पता चलता है कि सेंटेंस में क्या हो रहा है। राइट, सो वर्ब वो वर्ड्स होते हैं। इट इज़ बिलीव दैट द इंग्लिश लैंग्वेज कंटेन्स टेंस ऑफ थाउजेंड ऑफ वर्ब्स एंड ओवर 170,000 ऑफ दोज आर करंटली इन यूज। ओके, सो बहुत सारे वर्ड्स हैं वर्ब के जो हम यूज़ करते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में। ओके, चलिए आगे चलते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट वर्ब फ्रॉम द गिवन बॉक्स। यहाँ पर हमें बॉक्स दिया हुआ है और ये सारे क्या हैं? वर्ब्स हैं। ओके, बिकॉज इन्हीं के थ्रू हमें पता चल रहा है कि सेंटेंस में जो सब्जेक्ट है वो क्या कर रहा है, जिसके बारे में सेंटेंस है। प्लीज़ डैश एंड गेट सम रेस्ट, प्लीज़ स्लीप, सो जाओ। तो क्या एक्शन होगा यहाँ पर? सोने का। प्लीज़ स्लीप एंड गेट सम रेस्ट। आई लव टू डैश इन द लेक, आई लव टू स्विम। ओके, तो आई लव टू स्विम, क्या करना, मुझे क्या अच्छा लगता है? आई लव टू स्विम। ओके, डू नॉट डैश ऑन द बेड, डू नॉट जम्प। सो ये सारे वर्ब हैं बच्चों, ये एक्शन वर्ड्स हैं, ये डूइंग वर्ड्स हैं, यहाँ कुछ ना कुछ काम हो रहा है। राइट, बी केयरफुल और यू विल डैश डाउन फॉल, बी केयरफुल और यू विल फॉल डाउन। डैश अबाउट इट बिफोर यू डू इट, क्या करो करने से पहले? थिंक अबाउट इट, पहले सोचो और फिर उस काम को करो। तो आप ऐसा करते हैं बच्चों? You think about anything before you do it? Yes, you should think. Cover your mouth before you sneeze. Sneeze मतलब छींकना। तो अपने माउथ को कवर करो छींकने से पहले, sneeze, right? Dash carefully to the home, please. So drive carefully. I love to dash my computer program. Okay? Children want to dash on the trampoline. Children want to play on the trampoline. Okay. The super ball will bounce. Like crazy in here. So हमने यहाँ पर क्या करा बच्चों? हमने इन sentences में correct verb fill करी, right? With the help of box. So चलिए आगे चलते हैं. Yes. Now we have helping verbs here. Helping verb क्या होती हैं बच्चों? जो कई बार main verb की help के लिए use की जाती हैं. शो वेन एन एक्शन हैपन्स, और हमें उससे ये पता चलता है कि वो काम हुआ है, हो रहा है या हुआ था।
Okay, so helping verbs are used to help the main verb show when an action happens. To show an action in the present, जब हमें कोई present में action show करना होता है कि अभी present में वो हो रहा है या होता है, तो हम क्या use करते हैं बच्चों, is, am और are. ओके, सो आई एम, एम हमेशा हम यूज़ करते हैं बच्चों आई के साथ. ये आपको लर्न रखना है, याद रखना है कि एम के साथ हमेशा एक ही पर्सनल प्रोनाउन यूज़ होता है, आई. ओके, सो आई एम वॉकिंग इन द पार्क, मैं पार्क में वॉक कर रहा हूँ. तो अभी भी कर रहा हूँ, प्रेजेंट की बात है, तो इसलिए कैसे पता चल रहा है ये हमें, एम के थ्रू. ओके, वी आर स्विंगिंग इन द पार्क, हम झूला झूल रहे हैं पार्क में. सो अभी भी झूल रहे हैं, वी के साथ क्या लगेगा, आर. इज लगता है सिंगुलर प्रोनाउन के साथ, सिंगुलर नाउन के साथ. आर लगता है प्लूरल नाउन और प्रोनाउन के साथ. और एम लगता है ओनली आई के साथ. और इस आर एम हम कब यूज़ करते हैं, जब हम बात कर रहे होते हैं बच्चों प्रेजेंट की, राइट. टू शो एन एक्शन दैट हैपेंड इन द पास्ट, हम क्या यूज़ करते हैं बच्चों, हैज, हैव, हैड, वॉज एंड वर. ओके, जैसे आई वॉज वॉकिंग इन द पार्क, वी हैव स्वंग इन द पार्क. सो इस तरह से हम पास्ट के लिए यूज़ करते हैं हेल्पिंग वर्ब्स, हैज, हैव, हैड, वॉज एंड वर. चलिए आगे चलते हैं. यस, नाउ फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट हेल्पिंग वर्ब. अब हमें यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब फिल करनी है. द टाइगर डैश चेज्ड अ डियर. सो द टाइगर हैड चेज्ड अ डियर. ओके, चेज्ड आ गया, वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, तो ये पास्ट की बात है. तो टाइगर ने डियर का पीछा किया था. रीता डैश स्टडींग फॉर हर मैथ्स एग्जाम. रीता इज स्टडींग फॉर हर मैथ्स एग्जाम. अभी भी वो पढ़ रही है अपने मैथ्स एग्जाम के लिए, राइट. आई डैश एन एल्डर सिस्टर, आई एम, बिकॉज आई के साथ हम क्या लगाते हैं, एम. वॉज भी लगा सकते हैं, लेकिन अगर वो पास्ट की बात हो. अब बड़ी सिस्टर है तो वो तो है ही, राइट. प्रेजेंट में भी है और पास्ट में भी है, तो हम लगाएंगे आई एम एन एल्डर सिस्टर. द पेंगुइन्स डैश स्विमिंग अंडर वाटर. सो द पेंगुइन्स आर स्विमिंग अंडर वाटर. अंडर वाटर पेंगुइन स्विमिंग कर रहे हैं. द नोटबुक्स डैश इन माई ड्रॉअर, बट आई कैप्ट सर्चिंग फॉर देम इन माई बैग. सो द नोटबुक्स, बुक्स आ गया, प्लूरल की बात हो रही है. सो द नोटबुक्स वर इन माई ड्रॉअर, मेरी ड्रॉअर में थी नोटबुक्स, बट मैं उन्हें अपने बैग में ढूंढता रहा. ही डैश अ स्पोर्ट्स टीचर, ही इज़ अ स्पोर्ट्स टीचर. क्योंकि जो स्पोर्ट्स टीचर है वो तो है ही, तो जो चीज़ रेगुलर में है वो प्रेजेंट में ही आएगी, ही इज़ अ स्पोर्ट्स टीचर. ओके, यू डैश नॉट एट होम लास्ट फ्राइडे. अब यहाँ पर लास्ट की बात हो रही है, मतलब पिछले फ्राइडे की. सो यू वर, यू के साथ भी हमेशा बच्चों वर आता है. ओके, अर्लियर आई picking all the dry leaves in the garden. Earlier, पहले I was picking all the dry leaves in the garden. They dash lunch at 2:30 p.m. today. They had, okay? They had lunch at 2:30 p.m. today. When I dash young, I read a lot of story book. When I was young, I read a lot of story books. So, इस तरह से बच्चों हम इनमें helping verbs को fill करते हैं. This is the provocation exercise and this is verbs game. अब इसमें आपको क्या करना है बच्चों, directions are for you. Divide into groups of 3 or 4. चार या तीन के group में आप लोग divide हो जाओ. ओके, और कोई भी एक प्लेस चूज कर लो, जैसे कि पार्क हो, घर हो, स्कूल हो या फिर लाइब्रेरी हो. कोई भी एक प्लेस आप चूज करके वहाँ पर बैठ जाओ. ओके, और 2 मिनट का आप टाइम सेट कर लो. और आपको क्या करना है, आपको ग्रुप में सब बच्चों को, जितने ज़्यादा आप लोग एक्शन वर्ब्स लिख सकते हो ना, उतने आप लिखो. ओके, उस प्लेस के बारे में, जैसे घर के बारे में हम क्या करते हैं, कुक,
कुकिंग होती है, हम नहाते हैं बेद, ओके, हम पानी पीते हैं ड्रिंक, ऐसे लाइब्रेरी में वी रीड, ओके, और हम क्या करते हैं, वी सिट देयर. इस तरह से जितने ज़्यादा एक्शन वर्ड्स हो सकते हैं उतने ज़्यादा आप एक्शन वर्ड्स वर्ब्स लिख सकते हो. व्हेन द टाइम इज अप, जब आपका टाइम अप हो जाए, सो आप अपने ग्रुप में बाकी बच्चों से अपने वर्ब्स को कंपेयर करो. ओके, सो क्रॉस ऑफ एनी वर्ब्स दैट समवन एल्स इन द ग्रुप ऑल्सो हैज, सो उसे क्रॉस ऑफ कर दो. द पर्सन विद द मोस्ट यूनिक वर्ब इज द विनर. सो जिस जो सबसे ज़्यादा यूनिक वर्ब्स लिखेगा वो कौन होगा, विनर होगा. ओके बच्चों, सो बहुत सारे वर्ड्स होते हैं वर्ब में, मेन वर्ब्स भी होती हैं और हेल्पिंग वर्ब्स भी होती हैं, बट आपको उन वर्ड्स के बारे में पता होना चाहिए. तो इसके लिए ये एक्टिविटी आपकी बहुत हेल्प करने वाली है. सो प्लीज़ डू दिस एक्टिविटी एंड आई होप दैट दिस चैप्टर इज़ क्लियर टू यू. Now children, this is craft corner for you. और आपको क्या करना है, आपको करना है find your partner, things you require. Okay, आपको क्या चाहिए, एक डाइस चाहिए या दो डाइस चाहिए, और आपको चाहिए sporting spirit. Okay, so अब आप अपने क्या करेंगे, अपने डाइस को रोल करेंगे. अगर आपका आता है वन, तो आप क्या बताएंगे, टेल योर फेवरेट फूड, अपने फेवरेट फूड के बारे में बताओगे, या फिर से समथिंग यू लव अबाउट योरसेल्फ, या अपने बारे में कोई ऐसी बात बताओगे जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद हो, राइट? अगर आपके डाइस में आता है टू, आपने डाइस रोल किया, अगर आता है टू, तो आप अपनी फेवरेट बुक के बारे में बताएंगे, या फिर से समथिंग यू आर अफ्रेड ऑफ, जिससे आपको डर लगता है, उस चीज़ के बारे में आपको बताना है. अगर आपकी डाइस में आया थ्री, तो टेल योर फेवरेट डेस्टिनेशन, आप अपनी फेवरेट डेस्टिनेशन के बारे में बताओगे, मतलब जहां आप जाना चाहते हो. ओके, या फिर से समथिंग यू वांट टू लर्न, या आप उस चीज़ के बारे में बताओगे जो आप सीखना चाहते हो, राइट? सो आपको ये एक गेम खेलना है एंड इट इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग गेम. अगर आपके डाइस में आ जाता है नंबर फोर, सो आपको मैं चॉइस भी दे रही हूँ, आप इनमें से कुछ भी कर सकते हैं. टेल योर फेवरेट हॉबी, अपनी फेवरेट हॉबी के बारे में बताओगे, या फिर टेल अस समवन फेमस यू वुड लाइक टू मीट, या किसी ऐसी फेमस पर्सनालिटी के बारे में हमें बताओगे जिनसे आप मिलना चाहते हो, राइट? अगर आपकी डाइस में आता है नंबर फाइव, सो टेल योर फेवरेट ड्रेस, अपनी फेवरेट ड्रेस के बारे में आप बताएंगे, या फिर से समथिंग यू हैव लर्न्ड अबाउट योरसेल्फ लेटली. सो कुछ ऐसा बताएंगे जो आपको अपने बारे में बाद में पता चला हो. ओके, ओके, मेरे अंदर ये भी क्वालिटीज़ हैं, या मैं ऐसी नेचर का हूँ. ओके, तो चलिए, अगर आपकी डाइस में आता है नंबर सिक्स, सो आपको बताना है अपने फेवरेट स्पोर्ट्स के बारे में, या फिर अपने ड्रीम कैरेक्टर के बारे में, राइट? जिसके बारे में आप सपना देखते हो बहुत ज़्यादा, ड्रीम कैरेक्टर कि कुछ भी हो सकता है. ओके, सो दिस इज़ द क्राफ्ट कॉर्नर एक्टिविटी फॉर यू चिल्ड्रन, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग. हैव अ नाइस डे.